बिहार का ही नहीं पूरे देश का ये सबसे पहला मंदिर है जिसमें एकदम पूरा शीशा से बना हुआ है, सारा एकदम पूरा ढह गया है, ऊपर से मरम्मत की जरूरत है। यह मंदिर 1953 में बना है। मंदिर का अपने पास 6200 बीघा जमीन था। कोई भी हो इस मंदिर का कायाकल्प करे। ठीक लग रहा है लेकिन देख ही रहे हैं और टूट टूट के गिर रहा है। नमस्कार, मैं निशांत राज के वी स्टूडियो में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बेगूसराय के जाने माने मंदिर नौलखा मंदिर के पास विजिट करने के लिए आया हूं और चाहूंगा कि आप तमाम दर्शकों को मैं दिखा पाऊं कि ये नौलखा मंदिर अपने आप में ये बेगूसराय में कितना नाम करती है। तो अभी मैं मंदिर के जस्ट बाहर खड़ा हूं और मैं कुछ लोगों से बात करूंगा इस मंदिर के बारे में कि क्या है नहीं है यहाँ की सच्चाई और क्यों बेगूसराय में, बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में ये चर्चित मंदिर के रूप में माना जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो में। मैं पूछना चाहूँगा सर, ये मंदिर जो है ये कब इसका स्थापना हुआ या कैसे, इसके बारे में कुछ बताइएगा सर। देखिए, हेलो, ये मंदिर जो है 1953 में महंत महावीर दास जी के द्वारा बनवाया गया। उसके 7 पुस्त पहले यानी कि 1853 या 1860 के लगभग में से ये मंदिर का जो है ना, उस समय से इनका कार्यक्रम चल रहा है। यह मंदिर 1953 में बना है। इस मंदिर का अपने पास 6200 बीघा जमीन था। 6200 बीघा जमीन था। देश आज़ाद हुआ 1952 में, देश का संविधान बना कि कोई भी राजा महाराजा के पास उतना संपत्ति नहीं रहेगा। बस महंत महावीर दास जी बहुत प्रतापी महाराजा थे, वो सोचे कि एक मंदिर ही बना दूँ। वो इन्होंने नौलखा का निर्माण करके नौलखा मंदिर बनवाए। तो अभी कुल मिला के यहाँ पे इनका जो है मंदिर का कितना जमीन बच गया है अभी? जमीन कितना भी रहे लेकिन इनके पास अभी भी खरब का संपत्ति है। अच्छा, खरब का संपत्ति है। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा इनका जो कि ये अपना कीमती समय दिए हैं। मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आते हैं? सुने हैं यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, बहुत सारा, बहुत दूर से लोग आते, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर भक्त जो है ना चारों तरफ से आते हैं। एरिया है जैसे इधर कटिहार, बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। अच्छा, पटना से भी लोग आते हैं? कहीं दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, आसाम से भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तो आते ही हैं लेकिन भक्त का मन पूरा हो जाता है। जो भी आते हैं मन में कामना लेके उनका पूरा हो जाता है। मैं बता दूं कि जो भी भक्त यहाँ पे मनोकामना लेके आप आते हैं तो उनका मनोकामना पूरा हो जाता है इस मंदिर में। मैं मंदिर में अंदर भगवान को दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन थोड़ा भगवान के पास। राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पे है। बिहार का ही नहीं पूरे देश का ये सबसे पहला मंदिर है जिसमें शीशा से बना हुआ ये सारा, मतलब एकदम पूरा शीशा से बना हुआ है। बाकी का नीचे का फर्श देखे तो टाइल्स, मार्बल, संगमरमर का यूज हुआ है, देखने में जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दे और बता दे कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से भगवान का मूर्ति है। तो मन पूरा हो जाता है लेकिन मंदिर का मन पूरा नहीं होता है। तो आप क्या चाहते हैं मंदिर का? चारों तरफ टूटा हुआ है। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, आज तक आए नहीं घूर करके कि मंदिर टूटा हुआ है, थोड़ा बनवा दे। ये आप देखिए, सबसे पहली बात कि इन्होंने बोला है ये मंदिर एकदम पूरा टूट गया है, सारा खंडहर टाइप का, मतलब दिखाया जाए तो, देखा जाए तो ये मतलब उस तरीके से लगता है। इस पे सरकार को काम किया जाए। सारा एकदम पूरा ढह गया है, ऊपर से मरम्मत की जरूरत है, लेकिन ये पता नहीं यहाँ के सरकार क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे वो बना हुआ है उस कोना में, पूरब साइड में। अच्छा, वैसे ही पश्चिम साइड भी ऐसे ही सिलाब बना हुआ जो कि ऊपर से गिर गया। ऊपर से ये ऊपर गिरने के बाद इस पर गिरा, इस पर गिरने के बाद ये समूचा। अच्छा, गिर गया है नीचे। ये 1756 या 60 में महाराज जी आए थे, मंदिर दास जी। अच्छा, इन्होंने अपना खंती गाड़े और 0 पर से ये 6200 बीघा जमीन वहाँ तक में ऊपर किए। तो उन लोगों का ये समाधि यहाँ पे लगा हुआ है जिन्होंने अपना, हाँ, कार्यकाल अपना पूरा किया है, उन्हीं का स्तूप है। इनका जब कार्यकाल आया तो इन्होंने मंदिर का निर्माण किए। जी जी जी
महंत महावीर दास जी, महावीर दास जी के पास जब आया तो उन्होंने ये पूरा काम किया है। हाँ। अच्छा, ये उनका तस्वीर आगे सामने, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये उन्हीं का तस्वीर है, महंत महावीर दास जी का, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। मैं यही चाहूंगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी हो, इस मंदिर का कायाकल्प करे और इसका खराब का संपत्ति को बचाए, क्या समझे? बिल्कुल 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 सर। और बहुत बहुत बड़े बड़े धोती वाले, कुर्ते वाले इसका संपत्ति लेके हजम किए हुए हैं, कोई 25 बीघा, कोई 50 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 10 बीघा। मैं यही सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से यहाँ पर भी आकर के कुछ कुछ करवावे या करे और अपना संपत्ति वापस ले। जो भी जमीन इनके बड़े बड़े खादी वाले लोग ले हुए हैं और बेच रहे हैं, मार्केट में भी जमीन है, बिक रहा है, उसको ये लोग आवे सरकार का ध्यान में इसी और आकर्षित करना चाहूंगा कि आकर के देखें। आप देख सकते हैं इस मंदिर का सौंदर्य कितना अच्छा है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पे चांदनी के रातों में पूरा लाइट लाइट जैसा सारा दूर दूर से लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे नौलखा मंदिर है। तो अब इसका जो है सौंदर्य खो गया है, तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आगे आवे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूँगा कि मंदिर में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है। तो नमस्कार सर। ठीक लग रहा है, लेकिन देख ही रहे हैं और टूट टूट के गिर रहा है। अच्छा, टूट के गिर रहा है, सरकार इसको बना नहीं रहा है। यहाँ पे कितने लोग आते हैं दिन भर? मतलब हजारों आदमी, हजार आदमी दिन भर में आते हैं जी। अच्छा, आप लोग भी घूमने के लिए ही आए हैं जी। धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा कि नौलखा मंदिर के सीधे सामने में एक छोटा सा ये फूल लगा हुआ है, एक ये ग्राउंड में। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का सौंदर्य कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, कितना इसका मतलब अब मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चलता हूँ आगे कैमरामैन के साथ, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और मैं पूछना चाहूँगा इनसे, क्या नाम हुआ आपका? तानिया सिंह। तानिया, आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले भी आए हैं या पहली बार ही आ रहे हैं? नहीं, बहुत बार आए हैं। बहुत बार आए हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए भी आते होंगे यहाँ पे लोग? हाँ। अच्छा, और धन्यवाद आपका। मैं दिखाना चाहूंगा कि मंदिर के सामने ग्राउंड के बगल में एक छोटा सा झरना, जिसको आप कुंड कह सकते हैं, छोटा सा वो है। इसमें देखिए कितना गंदगी फैला हुआ है, कितना गंदा दिख रहा है ना। तो मैं यही चाहूँगा, बार बार मैं यही कहता आ रहा हूँ, सरकार से निवेदन है कि इसका रिपेयरिंग और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि इसके सौंदर्य को और भी बढ़ावा मिल सके और दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ सके। मैं दिखाना चाहूँगा ये पूरा, ये जो है मंदिर का ये पूरा अंडरग्राउंड है, ये जो मंदिर है ये अंडरग्राउंड के अंदर में है, पूरा अंडरग्राउंड है। मैं दिखा दूँ तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, फेसबुक चैनल डॉक्टर रोशन कुमार। मैं